नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता था, सो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो आज एक सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ दिखाया। अगर वो सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर था शुगर का सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा था। उसके पीछे का न्यूज़ भी काफ़ी बड़ा है, यानी कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और वो न्यूज़ इस पूरे सेक्टर का जो लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस रहेगा उसमें काफ़ी आपको मदद करेगा। यानी अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन सेक्टर्स के कुछ शेयर को होल्ड कर रखे हैं उनको इस शेयर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले न्यूज़ और साथ के साथ उससे रिलेटेड जो उनके काफ़ी अच्छे शेयर हैं जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनको एनालाइज करके देख लेंगे कि उनका क्या सपोर्ट बनेगा, क्या टारगेट बनेगा और किस टारगेट के लिए आपको उन शेयर्स में एंट्री ले लेनी चाहिए और किस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि एक भी शेयर आपसे मिस ना हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने हैं तो उन शेयर्स को ज़रूर से ज़रूर ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये वो शेयर्स हैं जिसका आपको पता होगा कि इनका रेगुलर यानी कि ज़िंदगी में हर दोस्तों आपको पता होगा कि इनके जो प्रोडक्ट हैं यानी कि जो शुगर की खपत है वो हर रोज़ हर घर में ज़रूरत है। यानी कि चाहे आप चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, कुछ भी आप बनाइए मीठी चीज़, तो आपको शुगर विदाउट शुगर के आप नहीं बना सकते। इसीलिए दोस्तों इस शेयर को आपको बाई करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज़ है और साथ के साथ कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो अगर न्यूज़ पे ध्यान दें तो आप देखेंगे शुगर शेयर गेन ऑन राइजिंग ग्लोबल प्राइस, यानी कि ग्लोबली इसकी प्राइस जो कि राइज हुई है उसके कारण ये शेयर्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं। अगर वहीं बात करें राइज की परसेंटेज क्या है तो आप देखेंगे परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस शेयर के लिए, जो कि 30% यानी छोटी मोटी पॉइंट परसेंटेज नहीं है, 30% की ग्रोथ देखने को मिला है जो कि प्राइस इनकी इंक्रीज हुई है। और जाहिर सी बात है जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सबसे ज़्यादा फायदा कंपनी को होता है और कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर्स को भी होता है। तो अगर आप शेयर होल्डर तो आप खुशी मना सकते हैं और ये प्रॉफिट आपको कम टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म में नहीं, ये प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में भी इसका फायदा होगा। तो चलिए देख लेते हैं और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके इस डिटेल से रिलेटेड। तो दोस्तों उससे पहले अगर बात करें कि आप देखेंगे जो कंट्री की बात हो रही है यानी कि ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, यानी कि ब्राज़ील जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया का क्या लेवल है तो उसकी भी बात कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके से इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो आप देखेंगे जो भारत देश जो इंडिया की बात हो रही है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी ब्राज़ील के बाद दूसरा नंबर आता है इंडिया का। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इंडिया को भी अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है, अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो शेयर होल्डर हैं तो इस सेंस अगर आप इनके शेयर होल्डर्स हैं तो इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म में इनका फ़ायदा देखने को मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं अपने स्टॉक्स को। दोस्तों अगर हम अपने पहले स्टॉक की बात करें तो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो आज ये शेयर क्लोज हुआ है 20% के अपर सर्किट पर, यानी कि अपर सर्किट भी लगा तो 20% का, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो आप देखेंगे इसकी प्राइस की बात करें तो 7.80 रुपये जो कि इसका आज का अपर सर्किट था और इस लेवल पर ये शेयर क्लोज हुआ है। अगर इसके ओपन की बात करें तो देखेंगे 6.55 रुपये, जबकि अगर इसके प्रीवियस क्लोज की बात करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके, तो आप देखेंगे इसमें 6.50 रुपये ये शेयर प्रीवियस में क्लोज हुआ था। लेकिन अगर इसके अपने पहले स्टॉक की बात करें तो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो डिटेल आप देख सकते हैं इसमें 20% का अपर सर्किट लगा था, कोई छोटी मोटी सर्किट नहीं थी, 7.80 रुपये भी ये शेयर क्लोज हुआ है। जबकि अगर इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 6.50 रुपये भी ये शेयर क्लोज हुआ था, लेकिन आज ये ओपन हुआ 6.55 रुपये पे। इसके लो की बात करें तो 6.50 रुपये तक ये शेयर यानी कि प्रीवियस क्लोज गया था, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक जो हुआ वो काफ़ी कमाल का था। तो देख लेते हैं इनके 52 वीक हाई और लो की। तो आप देखेंगे 52 वीक हाई की बात करें तो 8.30 रुपये बना था जो कि 26 जून 2020 को बना था, जबकि अगर 52 वीक लो की बात करते हैं तो 27 अप्रैल 2020 को बना था 2.35 रुपये का। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 38.56% की डिलीवरी उठाई गई है आज के डेट पे, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस शेयर को लेकर। आप देखेंगे 1,91,55,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है, ये काफ़ी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है इस शेयर के लिए। तो दोस्तों अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे 31.31% की डिलीवरी उठाई गई रिटर्न है।
के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे एक साल में 31.31% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने, जबकि एक महीने की बात करें तो लगभग 2.5% तक की करेक्शन देखने को मिल गया चुका है। लेकिन अगर इनके बीटा की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी वोलेटाइल है ये शेयर। अगर आप इसमें से किसी भी स्टॉक में एनालाइज करके बिना किए इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। कम से कम वीडियो में तो लास्ट तक बने रहें ताकि आपको डिटेल मिल सके अच्छे से कि आपको इस शेयर में सिर्फ नाम देखकर इन्वेस्ट नहीं करना होता, उसका पूरा एनालाइज देखा जाता है, स्टॉप लॉस बताया जाता है कि आपके आपको अगर ये शेयर गिरता भी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बीटा आप देख सकते हैं 2.28 का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है ये शेयर। पी की बात करें तो पी माइनस में शो हो रहा है, यानी -14.31 का है, जबकि अगर सेक्टर पी की बात करें तो 47.47 का है। तो देख लेते हैं और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों इस शेयर को क्या हमें कल खरीदना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका पर्पज लॉन्ग टर्म है तो करेंट प्राइस पर ज़रूर खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज जितनी खरीदारी हुई है यानी जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो वॉल्यूम कल को निकलेगा भी, यानी कि को बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस शेयर को बेचकर निकलना भी चाहेंगे प्रॉफिट बुक कर कर। तो इसलिए हो सकता है कि इसमें एक दो दिन में इस थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले, और जैसे शेयर करेक्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। अगर आपका पर्पज लॉन्ग टर्म है तो आप करेंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं और शेयर जब नीचे जाएगा तब भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पज शॉर्ट टर्म है तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आप चाहे तो अपने हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये शेयर आप 7 रुपये 10 पैसे या फिर 7 रुपये 20 पैसे के आसपास मिले तो मुझे लगता है कि इस शेयर में खरीदारी की जा सकती है। और शॉर्ट टर्म में टारगेट की बात करें तो 10 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, यानी 1 से 2 महीनों में ये टारगेट आपको टच होता हुआ दिख जाएगा, तब आप सेल करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसकी बात करें तो आप देखेंगे हमारा जो नया नेक्स्ट स्टॉक है वो है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो आप देखेंगे ये शेयर आज क्लोज हुआ है 35.20 रुपये पे, और अगर इसमें तेज़ी की बात करें तो 10% की तेज़ी के साथ ये शेयर क्लोज हुआ है, और आज इसने अपना नया 52 वीक हाई भी लगाया, यानी 35.75 रुपये का। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें जो कि आज के आज आपको लगता हुआ दिख गया है, लेकिन अगर इसके 52 वीक लो की बात करें तो आप देखेंगे 13.35 रुपये जो कि 25 मार्च को बना था। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 47.57% की डिलीवरी उठाई गई है। वहीं क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 41,48,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देख लेते हैं ऑडिटर, अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो 21.44% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जबकि एक महीने की बात करें तो 16.15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये वो शेयर है जो कि थोड़ा सा आपको सेफ्टी देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस स्टॉक की बात करें तो इसमें आप देखेंगे इसका बीटा जो है 1.14 का, यानी कि थोड़ा वोलेटाइल है ये शेयर भी, वोलेटिलिटी इसमें भी कम नहीं है, लेकिन अगर पिछले शेयर से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ये शेयर उसके अपेक्षा थोड़ा सा आपको सेफ्टी दे सकता है। अगर इसके पी की बात करें तो इसका पी भी पॉजिटिव है, यानी 8.20 का, जबकि सेक्टर पी है 47.47 का। तो देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर वही लॉन्ग टर्म का अगर आपको पर्पज है तो करेंट लेवल पे बाई कर सकते हैं, अदरवाइज 33 रुपये के लेवल के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें बिट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कल खरीद के इंट्राडे करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 38 रुपये तक का टारगेट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 33.75 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस शेयर के लिए इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट शेयर। उससे पहले ये शेयर आप देखेंगे ओवरबॉट जोन में भी इंक्लूड हो चुका है, तो ये शेयर जल्दी करेक्शन भी आपको दिखाने की उम्मीद रखेगा। मुझे लगता है कि जैसे 38 रुपये का पहला टारगेट और उसके बाद 42 रुपये के आसपास जाने के बाद इस शेयर में करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो दोस्तों ये शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 11.35 रुपये में इस टाइम ये शेयर चल रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो 9.66% की आज ग्रोथ के साथ ये शेयर क्लोज हुआ है, जबकि आज के हाई की बात करें 11.35 रुपये ही था, यानी कि जहां पे ये शेयर क्लोज हुआ वही इसका हाई भी था। तो देख लेते हैं 11.35 रुपये और इसका अपर सर्किट भी, यानी 10 रुपये के आसपास का ये भी 10% के अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। अगर 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 52 वीक हाई 14.70 रुपये जो कि 16 दिसंबर 2020 को बनाया था, उसके बाद इस शेयर में करेक्शन आया था और ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका था। अगर इनके 52 वीक लो की बात करें तो 3.25 रुपये जो कि 25 मार्च 2020 को बना था। अगर वहीं इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 56.02% की डिलीवरी उठाई गई है। वहीं अगर बात करते हैं क्वांटिटी की, आप देखेंगे 76
52,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी। इसके रिटर्न की बात करें तो एक साल में आप देखेंगे 61.72% का रिटर्न, यानी ये वो शेयर है जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने की बात करें तो लगभग 4.5% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें बात करें बीटा की तो 1.46, यानी जो हमारा पहला स्टॉक था उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ी सी आपको सेफ्टी देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारा दूसरा स्टॉक था उसके अपेक्षा थोड़ा सा ये शेयर ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल जाएगा। अगर इसके पी की बात करें तो आप देखेंगे 0.95 का है, जबकि अगर सेक्टर पी की बात करें तो 47.47 का रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या टारगेट बन सकता है, तो मुझे लगता है इनका जो पहला टारगेट होगा वो 14 रुपये का पहला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो 17 रुपये तक का टारगेट आपको इस शेयर में देख बनते हुए दिख जाएगा। वहीं स्टॉप लॉस की बात करें तो मुझे लगता है 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप 17 रुपये के टारगेट के लिए हिट कर सकते हैं। शेयर अच्छा है और जिस हिसाब से शेयर ग्रोथ हो रही है, शेयर का रिटर्न काफी अच्छा है, जिस हिसाब से 60-61% का रिटर्न एक साल में दे चुका है वो काफी कमाल का है, और जिस हिसाब से इसमें फिर से प्राइजिंग बढ़ाई जा रही है तो मुझे लगता है ये सारे शेयर्स जो भी हम मैं बता रहा हूँ ये जल्दी आपको अपना टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा, ना कि इनका स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी कि नीचे बाई होता है और बाई करके आप इस शेयर में फिर से ऊपर की तरफ के लिए टारगेट बना सकते हैं। दोस्तों शेयर्स अच्छे हैं मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो वो प्राइस जो बढ़ती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म में ही उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में कुछ खास फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिल सकता, तो इसलिए इस शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।